आइए हम राष्ट्र निर्माण के विषय में चिंतन करें। आज आवश्यकता है कि भारत देश जिसमें हम रहते हैं, ये देश विकसित हो, इसमें जितने भी रहने वाले लोग हैं सभी को सुख और शांति मिले। तो ये कैसे होगा, ये इसकी योजना कैसे बने, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम क्रियायोग ध्यान करें। जब क्रियायोग ध्यान करेंगे तो हम ऐसे नियम बनाएंगे, ऐसे अनुशासन में रहेंगे कि पूरा देश सुखी होगा। देश में जितने भी मानव हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, पहाड़, नदी, समुद्र, ये सभी सुखी होंगे। तो क्रियायोग ध्यान करने पर किस तरह की व्यवस्था होती है, जब इस पर हम ध्यान करें तो याद रखिए, गांधी जी का जीवन, महात्मा गांधी क्रियायोग ध्यान करते थे। उनकी देखिए नीति किस तरह थी कि जो सबसे गरीब हैं, जो सबसे पिछड़े हैं, सबसे पहले उन पर ध्यान दिया जाए। ऐसा कैसे उनके दिमाग में आई, ये बात किस तरह से आई, क्योंकि जब सिर से पैर की उंगली तक हम शरीर में एकाग्रता बढ़ाते हैं क्रियायोग ध्यान करने के लिए, तो शरीर में जो अंग सबसे अधिक कमजोर है, जहाँ अधिक बीमारी है, जहाँ दिक्कतें हैं, हम पहले ध्यान उस पर देते हैं। तो जब हम क्रियायोग ध्यान करेंगे तो यही ज्ञान होता है कि अपने राष्ट्र का वह भाग, वह जिला, वह गांव और वह लोग जो अछूते हैं, जिनमें दिक्कतें बहुत अधिक हैं, जो बीमार अधिक हैं, जो तनाव और चिंता में ग्रसित हैं, जो अधिक सुविधाओं को पा करके अव्यवस्थित हैं, और जो बिना सुविधाओं के अव्यवस्थित हैं, कैसे पूरे राष्ट्र को ठीक किया जाए, इसका ज्ञान अंतःकरण से आता है। तो जब तक क्रियायोग ध्यान का दीप हर घर में जलेगा नहीं, याद रखिएगा, भारत उस रूप में नहीं आ पाएगा जिसकी हम कल्पना करते हैं, राम राज्य वाला भारत। अच्छी तरह से हम ध्यान दें, हम इस पर विचार करें कि अब क्रियायोग ध्यान प्रत्येक घर में हो, प्रत्येक घर ही मंदिर बने, अतिरिक्त मंदिर की आवश्यकता नहीं है, अतिरिक्त आश्रम की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक गांव का प्रत्येक घर ऐसा मंदिर हो, ऐसी जगह हो जहां पर लोग अपने अंदर और उसी घर के दीवारों में, उसी घर के जगह में और परमाणुओं में हम ईश्वर को खोज रहे हों, ज्ञान के रूप में, शक्ति के रूप में, शांति के रूप में, जीवन के रूप में। आज हमें सोचना है, हमें चिंतन करना है, अगर हम विधायिका में हैं, अगर हम शासन में हैं और हम न्यायपालिका में हैं, हम माननीय जज हैं या कार्यपालिका में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, तो आज हमें सोचना है, आंख बंद करके अपने में एकाग्र होइए और सोचिए, विचार करिए कि इस अव्यवस्था को कैसे दूर करें। आज बहुत अच्छी बात है कि इलाहाबाद में 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय को स्थापित हुए 150 वर्ष हुए हैं और इसमें 625 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। हमें सोचने की आवश्यकता है, जो लोग शासन में हैं, प्रशासन में हैं, जो न्यायपालिका में हैं और अन्य भारतवासी जो सोच रहे हैं, उसी तरह से हम सब भी सोचें। भारत के ऐसे लोग, भारत में रहने वाले वे लोग जो सुविधाओं में हैं ही नहीं, जिनके पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं को आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, वो अधिक मात्रा में हैं, वो सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। अगर राष्ट्र का पैसा उन जगहों पर लगे जो जगह अविकसित है, जहाँ पर समस्याएं हैं, जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ पर खेती नहीं है, सिंचाई का साधन नहीं है, तो देश स्मार्ट होगा, पूरा देश अच्छा होगा। तो आज हमें ये सोचना है। आप देखिए, जब हम क्रियायोग ध्यान करते हैं, सिर से पैर की उंगली तक अपने में एकाग्रता बढ़ाते हैं, तो यही विचार आता है, जो अंग कमज़ोर है, जो अंग घायल है, जो अंग बीमार है, जिसमें वाइटलिटी कम है, पूरे शरीर के अंदर जो बहने वाली जीवन शक्ति है, जो वाइटलिटी है, जो शक्ति है, उस अंग में हम अधिक प्रवेश दिलाएं, उस अंग में अधिक प्रवाहित करें जो अंग बीमार और कमज़ोर है।
जहाँ पर इन्फेक्शन है, जहाँ पर दिक्कतें हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। 625 करोड़ रुपए को जिस तरह से खर्च किया जा रहा है, इस पर चिंतन करिए। ऐसे और अनेक तरह के खर्चे होते हैं। हम लोग जन्म दिवस मनाते हैं, हम लोग तरह तरह के फंक्शन मनाते हैं, शादी विवाह में अनेक तरह के खर्च करते हैं, ऐसे उत्सव मनाते हैं जैसे त्रिवेणी महोत्सव मनाते हैं या ऐसे कोई भी उत्सव मनाते हैं, अकूत पैसा खर्च करते हैं। याद रखिए, अगर उसी पैसे का उपयोग हम राष्ट्र के उन क्षेत्रों में करें जहाँ विकास नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ सिंचाई का साधन नहीं है, लोगों के पास रहने के घर नहीं है, जहाँ के बच्चे बिल्कुल असहाय की तरह है, तो हमारा पूरा राष्ट्र ही स्मार्ट होगा। आज सोचने का विषय है ये। और बहुत अच्छा होता कि जो न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं वो भगवान होते हैं, न्याय केवल भगवान देता है। हम बहुत ही अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं अपने भगवान से, जो न्यायाधीश हैं, न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, क्या 625 करोड़ रुपए को इस तरह से खर्च करना उचित है कि या इस पैसे को हम इलाहाबाद के उस जगह पर ले चलें जहां लोगों के पास खाने का नहीं है, जहां पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, लेकिन बड़े जीनियस हैं, बड़ा अच्छा दिमाग है, वो उग्रवादी नहीं हैं, वो नियम बना करके अपने अधिक पैसा ले लें ऐसा नहीं है, वो समाज सेवी हैं। उनके बीच में मैं गया हूँ, इतना तेज दिमाग है कि आपको आश्चर्य होगा, जो पढ़े लिखे हैं, PhD हैं, जो और बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, उनकी समझ उतनी नहीं है। इसीलिए शांति है, वो कम में रहते हुए भी हाथ जोड़े रहते हैं, वो अत्याचार नहीं करते हैं, वायलेंस नहीं करते हैं, आतंक नहीं फैलाते हैं। हमारे जो भगवान के रूप में जो न्याय की कुर्सी पर हैं, हमें उनसे निवेदन है, हमें उनसे विनती है, किस पर विचार करें कि जो 625 करोड़ खर्च हो रहा है, जिस तरह से इस पैसे का और बढ़िया सदुपयोग क्या हो सकता है। हमारे भगवान लोग जो माननीय न्यायाधीश हैं, इस पर भी विचार करें, न्याय कहाँ मिलता है। गरीब व्यक्ति हाई कोर्ट जा नहीं सकता है, उसके पास पैसा नहीं फीस देने के लिए, कागज़ के ऊपर न्याय मिलता है, क्या न्याय मिल सकता है। जो लोग बहुत ही दबंग हैं, बहुत ही आतंकवाद वाले हैं, क्रिमिनल नेचर के हैं, उनके खिलाफ कोई जा ही नहीं सकता है, तो क्या ऐसे न्याय में व्यवस्था है कि गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी को भी न्याय मिले। अगर नहीं मिलता है तो हम अपने भगवान से, अपने न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले इन न्यायाधीश महोदय से मैं हाथ जोड़ करके विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि इस पर चिंतन करें, क्या न्याय मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तब भारत में हम कैसे आशा कर सकते हैं हमारा भारत का गौरव वापस आएगा। और ये भी बहुत निवेदन करते हैं सारी जनता से, जो जनता के लोग हैं, क्या आप न्याय पर हैं, क्या पैसे पर नहीं बिकते हैं, क्या दारू और शराब पर नहीं बिकते हैं, क्या उल्टा सीधा खाना नहीं खाते हैं। आज आवश्यकता है कि हमारी जनता नियंत्रित हो, इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर नियंत्रण प्राप्त करे, और ऐसी जनता प्रकट हो जाए कि सब लोग बाध्य हो जाएं अच्छा काम करने के लिए। आज बहुत ही जरूरी है कि जो शादी में अनावश्यक खर्च होता है, शादी विवाह में इतने खर्च होते हैं अनावश्यक, सब केवल दिखावे में, और अनेक पर्व मनाए जाते हैं, सब इतने खर्च होते हैं कि पूछिए नहीं। इसी तरह से अनेक प्रकार के खर्च होते हैं, बर्थडे पार्टी, ऐसा जश्न मनाया जाता है कि पूछिए नहीं। इन सब की आवश्यकता अब नहीं है, अब भारत देश को आगे बढ़ना है। सब लोग एकजुट होकर के इस पर चिंतन करें, विचार करें, एक दिन सब इस पृथ्वी से चले जाएंगे। जब सब चले जाएंगे तो किसके लिए जश्न मनाएंगे, किसकी बर्थडे पार्टी होगी। क्यों ना हम ज्ञानी बन जाएं, हम कैसे आते हैं कैसे जाते हैं ये विज्ञान क्यों ना सीख लें। इस विज्ञान को लहरी महाशय जो लुप्त हो गया था फिर से प्रकट किए। हम कैसे स्वेच्छा से आएँ, स्वेच्छा से जाएँ, क्रियायोग ध्यान ये विज्ञान है। अगर इस क्रियायोग ध्यान को प्रतिदिन रोज अभ्यास करें तो भारत राष्ट्र की गरीबी दूर हो जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी, चिंता दूर हो जाएगी। और अनेक विधियों का पूजा पाठ हुआ लेकिन गरीबी नहीं दूर हुई, अनेक विधियों से आध्यात्मिकता फैली लेकिन समस्याएँ नहीं गईं। अगर क्रियायोग ध्यान करके
लोग पूरी एकाग्रता के साथ इसमें लीन होते जाएं, भारत राष्ट्र की सभी प्रकार की समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी। मैं आपको नमन करता हूं। आइए हम लोग मिलकर के राष्ट्र के धन को उचित जगह पर लगाएं, जहां लगाने पर भारत राष्ट्र पूरा देश स्मार्ट होगा।